मूवी के स्टार्ट में हम बहुत सारे जेब्रास को देखते हैं जो कि जंगल में एक जगह पर खेल रहे थे। यही इनका घर था और बाकी सारे एनिमल्स इनके घर तक ना पहुंचे, इसी वजह से इन्होंने अपने ही एरिया के आसपास एक नुकीली सी बाउंड्री बनाई थी। ये सारे जेब्रास इसी एरिया में खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन इनके लीडर के घर बेबी होने वाला था। ये न्यूज सुनकर सारे जेब्रास बहुत ज्यादा खुश थे और जैसे ही इनको पता चलता है कि बेबी दुनिया में आ गया है तो ये सब उसे देखने जाते हैं और उसको देखते साथ ही सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेबी जेब्रा के आधी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं थी, जिसको देखकर सब ने उसे यही कहा कि ये तो कर्स्ड है और अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सब जेब्रास को बस यही लग रहा था कि बेबी जेब्रा बहुत ही ज्यादा अनलकी होगा और इनके पीने वाला पानी इसी की वजह से शायद खत्म हो जाए। बेबी जेब्रा के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम तो हमारे बेबी हो और जो ये सारे जेब्रास कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम तो हमारे खुम्बा हो। जिसके बाद से इस बेबी जेब्रा का नाम खुम्बा रख दिया था, जिसका मतलब था कभी भी हार ना मानने वाला। अब जिस जगह पर ये सारे जेब्रास रहते थे वहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड था जहाँ पे पानी था और यही बस इनका सहारा था जिंदा रहने का। आहिस्ता आहिस्ता इस जगह के ऊपर पानी खत्म होने लगा था। एक दिन जब खुम्बा उस जगह पे पानी पीने जाता है तो वहाँ पर काफी जेब्रास उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो सिर्फ हाफ जेब्रा हो, तुम्हारी आधी बॉडी के ऊपर तो ऐसे मार्क्स है ही नहीं। अब इन सारी बातों से खुम्बा बहुत ज्यादा हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी सोचों में ही गुम था कि कैसे पूरी लाइफ उसने ऐसे ही गुजारी है और हर एक उसका कितना मजाक उड़ाता है। इतनी ही देर में उसके पास एक छोटा सा ग्रास हॉपर आता है जो कि उसे मिट्टी में कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा था, पर खुम्बा को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। वो तो पहले ही बहुत ज्यादा तंग था। इस सब के बाद खुम्बा अब घर वापस जाने लगा था, बट बाउंड्री की दूसरी साइड से उसे कुछ एनिमल्स की आवाज आती है जो कि उसे ये कह रहे थे कि उन्हें प्यास लग रही है और वो उन्हें थोड़ा सा पानी दे दे। अब खुम्बा एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड ज़ेब्रा था, जिसके बाद वो थोड़ी सी बाउंड्री खोल देता है ताकि कोई एनिमल अंदर आके पानी पी ले। अब इसके बाद कुछ एनिमल्स अंदर आके पानी पीते हैं। जब बाकी सारे ज़ेब्रास ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो खुम्बा को बहुत ज्यादा डांटते भी हैं और बाकी सारे एनिमल्स को वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर बाहरी एक टाइगर भी था जो कि इसी वेट में था कि किसी तरीके से बाउंड्री खुले और वो इन सब जेब्रास के ऊपर अटैक कर दे। ये टाइगर अब अंदर आ नहीं वाला था, पर इससे पहले कि वो किसी को भी हर्ट करता यहाँ पर खुम्बा के डैड जो कि इन सब के लीडर थे वो आकर इस बाउंड्री वॉल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो टाइगर वापस बाहर ही रह जाता है। पर इस सबसे पहले उसने खुम्बा को स्मेल कर लिया था और उसे खुम्बा की स्मेल बहुत अच्छी लगी थी, जिसके बाद वो सबको धमकी देता है कि अभी तो तुम सब लोग मुझसे बच गए हो, पर जब तुम लोगों का पानी खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस सब के बाद तो खुम्बा को अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा डांट पड़ती है कि उसकी वजह से सारे जेब्रास की जान खतरे में थी। ऐसे तो वो टाइगर इन सब पर हमला कर देता क्योंकि उसने बाउंड्री वॉल ही खोल दी थी। अब वो उदास होकर अपनी मॉम के पास चला जाता है जो कि खुम्बा को उदास देखकर उसे एक स्टोरी सुनाती है। खुम्बा को वो बताती हैं कि कैसे बहुत सालों पहले किसी भी जेब्रा के ऊपर कोई भी लाइन नहीं थी, यानी कि सब ही बिल्कुल वाइट थे, जिसके बाद एक जेब्रा किसी मैजिकल पॉन्ड में गया था जिसके अंदर से गुजरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स आ गई और उसको फॉलो करते करते बाकी सारे जेब्रास भी उस पॉन्ड में चले गए थे और उसके बाद से सब जेब्रास के ऊपर ऐसे लाइन आ गई थी। खुम्बा को याद आता है कि वो ग्रास हॉपर भी उसे कोई मैप ड्रॉ करके दिखा रहा था और हो सकता है कि ये शायद वही मैजिकल पॉन्ड का एड्रेस हो। अब यहाँ पर खुम्बा को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो अपनी मॉम की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो ग्रास हॉपर कुछ ड्रॉ कर रहा था। उसे देखते साथ ही खुम्बा बिल्कुल समझ जाता है कि ये शायद एक मैप ही है, जिसके बाद वो एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को बताने जाता है कि अब वो भी बाकी सब जैसे लोगों की तरह हो जाएगा। पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारे जेब्रास इकट्ठे हैं। पता चलता है कि खुम्बा की मॉम की डेथ हो गई है, वो बहुत अरसे से बीमार थी। खुम्बा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी अपनी मॉम की पूरी बात नहीं सुनी थी और वो वहाँ से चला गया था। अब तो इसके बाद खुम्बा कुछ भी नहीं सोचता और भागने लगता है और ऐसे ही बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। उसका बस अब एक ही मिशन था कि उस मैजिकल पॉन्ड में पहुँच कर अपनी स्ट्राइप्स वापस ले आए। अब बाहर की दुनिया तो कभी उसने देखी नहीं थी, जिसकी वजह
से उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब ऐसे ही रास्ते में उसे एक वाइल्ड डॉग मिलता है, जिसको रुककर वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या मैजिकल पॉन्ड का रास्ता पता है। वो वाइल्ड डॉग बहुत ही ज्यादा शार्प था, जिसके बाद वो खुम्बा से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। रास्ते में चलते चलते खुम्बा को एक वाइल्ड बीस्ट मिलता है, जिसका नाम मामा भी था, और एक ऑस्ट्रिच जिसका नाम ब्रैडली था। अब ये दोनों भी खुम्बा के साथ आगे चलने लगते हैं। वो वाइल्ड डॉग तो बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसके बाद वो इन तीनों को लेकर अपने ही बैग के पास पहुंचता है। वो सब इन पर अटैक करने लगते हैं, पर मामा भी बहुत शार्प थी, वो इन सब से डट के मुकाबला करती है और ऑस्ट्रिच को और यहाँ पर खुम्बा को बचा लेती है, जिसके बाद खुम्बा को काफी अफसोस होता है कि उसकी वजह से इन दोनों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। अब इसके बाद वो अपनी पूरी स्टोरी इनको बताता है कि कैसे वो मैजिकल पॉन्ड की तलाश में बाहर निकला है, जिसके बाद मामा भी को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और वो उसे कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दूसरी तरफ खुम्बा के डैड को भी काफी देर से ऐसे ही फील हो रहा था कि खुम्बा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद वो ढूंढते हैं और देखते हैं कि खुम्बा मिसिंग है। अब वो भी समझ गए थे कि वो जरूर किसी तरीके से बाउंड्री वॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी जगह पर किसी और को बाउंड्री का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद ही बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं, जिसके पास वो वाइल्ड डॉग पहुंच चुका था और टाइगर को पता चल गया था कि खुम्बा ऐसे बाउंड्री से बाहर आ गया है और वो अब उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ मामा भी खुम्बा और ऑस्ट्रिच पूरा दिन सफर करते रहते हैं और अब काफी रात हो गई थी। उसके बाद मामा भी कहती है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। वो इन दोनों को आग जला के देती है, जिसके बाद पूरी रात ये बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठते ही ये तीनों अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं। अब वो टाइगर इनको ढूंढते ढूंढते इस जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसे वो बुझी हुई आग मिलती है और वो समझ जाता है कि वो ठीक जगह पर पहुंच चुका है और ऐसे ही फॉलो करते करते खुम्बा तक पहुंच जाएगा। अब जब खुम्बा के डैड उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे जाते हैं, तो उन्हें खुम्बा के फुटस्टेप्स मिलते हैं और वो काफी खुश होते हैं कि शायद वो उस तक पहुंच ही जाए। पर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें टाइगर के भी फुटस्टेप्स नजर आते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास होकर वापस पहुंचते हैं। वापस आने के बाद वो सारे बाकी ज़ेब्रास को बताते हैं कि शायद अब टाइगर ने खुम्बा को खा लिया होगा, क्योंकि उसे दोनों के फुटस्टेप्स मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद एक ज़ेब्रा कहता है कि चलो शुक्र है, अब यहाँ पर बारिश हो जाएगी, क्योंकि जो कर्स्ड ज़ेब्रा था वो तो खत्म हो गया। इसको सुनते साथ ही उसकी छोटी बेटी कहती है कि डैड तो खुम्बा मिल नहीं रहा और आप ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामा भी खुम्बा और वो ऑस्ट्रिच चलते चलते उन माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं जो कि उस मैप में उस ग्रास ऑपर ने बनाए थे। इन माउंटेन्स के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड भी था, जिसको देखकर खुम्बा बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि शायद ये वही पॉन्ड है जिसमें जाने के बाद उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स वापस आ जाएंगी, और ऐसे ही वो उस पॉन्ड में छलांग लगा देता है। बट वहाँ पर जाने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं आता और खुम्बा समझ जाता है कि ये वो पॉन्ड नहीं जिसके बारे में उसकी मॉम ने उसे बताया था। अब इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं, जिनको देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये लोग एक टूरिस्ट पार्क में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो कि उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। जब इन टूरिस्ट की नज़र खुम्बा पे पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि खुम्बा तो बहुत ही ज्यादा यूनिक था, और वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से इसको पकड़ लिया जाए। अब यहाँ पर एक ट्रक आता है और खुम्बा को पकड़ भी लेता है, जिसके बाद वो उसे बंद करके वहाँ से लेकर जा रहा था। बट इतनी ही देर में एक छोटा सा रैबिट उस ट्रक के ऊपर आता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा बैलेंस खो देता है और खुम्बा इसे फ्री हो जाता है। खुम्बा इसी छोटे रैबिट से पूछता है कि क्या तुम्हें मैजिकल पॉन्ड के बारे में कुछ पता है, पर ये रैबिट खुम्बा को बताता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, बट ईगल तुम्हें शायद कुछ बता दे, जिसके बाद ये सब लोग ईगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेब्रास की कॉलोनी में जो पानी था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके बाद सारे ज़ेब्रास ये प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उन्हें बहुत सारा पानी मिल सके। इसके बाद एक के बाद एक करके सारे ज़ेब्रास बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं, पर इन सबको उसी टाइगर का बहुत ज्यादा डर था, जिसकी वजह से ये सब लोग एक साथ इकट्ठे आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ खुम्बा अपने दोनों दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ईगल था। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से रैट्स थे, जो कि खुम्बा को कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट इतनी
ही देर में एक बहुत बड़ा सा ईगल वहाँ पर पहुँचता है और खुम्बा पर अटैक करता है। पर वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मैं उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में हूँ। अब यहाँ पर ईगल काफी सोचता है और खुम्बा की हेल्प करने के लिए उसे वो एड्रेस बता ही देता है, पर साथ में ये भी बताता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइगर वैली से गुजरना होगा। जिसको सुनते साथ ही खुम्बा को बहुत ज्यादा खौफ आता है, क्योंकि पहले ही वो उस टाइगर से बहुत ज्यादा डर रहा था। बट फिर भी वो सोचता है कि इतने आगे आ जाने के बाद मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस सब के बाद खुम्बा अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि कैसे उसे टाइगर वैली से गुजरना होगा। बट वो टाइगर से पहले ही बहुत ज्यादा डरता था और वो समझ गया था कि ऐसे तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अपने दोस्तों को कहता है कि आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान को खतरा हो। और ऐसा कहकर वो अकेले ही आगे निकल पड़ता है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है, पर वो खुम्बा की खुशबू को ही लेकर इतना ज्यादा कैरेट था कि उसे तो कुछ और ख्याल नहीं आता। और वो खुम्बा के दोनों दोस्तों को इग्नोर करता हुआ खुम्बा के पीछे ही चला जाता है। पर उसके दोनों दोस्त जब ये देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमें खुम्बा का साथ देना चाहिए, और वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। आगे तो खुम्बा अकेला ही चलता चलता बेहोश हो जाता है, क्योंकि काफी देर से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर हम उसी एनिमल को देखते हैं जिसकी हेल्प खुम्बा ने बहुत साथ में की थी और अपने ही ज़ेब्रा पॉन्ड से उसे पानी दिया था। अब ये एनिमल यहाँ पर खुम्बा की हेल्प करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है, जिसको खाने के बाद खुम्बा में कुछ पावर आती है और वो फिर से खुद खड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुम्बा के फादर को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और ये वही रैबिट था जिसने खुम्बा को पहले बचाया था। और उसने ही ये बात उसके फादर को बताई थी कि वो कैसे उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में आगे बढ़ रहा है। ये सुनने के बाद खुम्बा के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे ढूंढने के लिए उसी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता खुम्बा की स्टोरी तो बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी और जितने भी वहाँ पर एनिमल्स थे सब यही सोचते हैं कि ऐसे डर डर के जिंदगी गुजारने का फायदा नहीं, हमें भी अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा और अपने डर से आगे निकलना होगा। दूसरी तरफ खुम्बा अब उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान की वजह से सारे ट्रीज को आग लग जाती है। खुम्बा समझ जाता है कि यहाँ तक तो पहुँच ही गया हूँ, अब मुझे इसे भी क्रॉस करना होगा। जिसके बाद वो जितने भी ट्रीज को आग लगी थी उनको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ऐसे ही खुम्बा जब आगे बढ़ता है तो उसे केव नजर आता है जिसके अंदर वो आराम से चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वही मैजिकल पॉन्ड दिखाई देता है जिसका जिक्र उसकी मॉम ने उसे किया था। साथ ही केव के ऊपर एक ड्रॉइंग भी थी जिसमें उसकी तरह का एक बहुत ही यूनिक सा ज़ेब्रा बना था जिसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ आधी जगह पर स्ट्राइप्स थी। वो समझ गया था कि ये उसी तरह के किसी ज़ेब्रे की बनाई हुई है। यहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है और खुम्बा से कहता है कि ये पेंटिंग मैंने बहुत पहले भी देखी थी और मुझे पता था कि तुम जैसे ज़ेब्रा बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं, तो मैं तुम्हें खाकर बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में अब केव के बाहर बाकी सारे एनिमल्स भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर खुम्बा के फादर भी बाकी ज़ेब्रास के साथ पहुँच चुके थे। अब अंदर टाइगर को तो बस यही था कि वो खुम्बा को खा ले, और यही डर खुम्बा के फादर को भी था कि अंदर ऐसे ही वो टाइगर खुम्बा को खा ना चुका हो। अब जैसे ही वो टाइगर खुम्बा के पीछे भागता है, खुम्बा यहाँ वहाँ भागने लगता है और इसी तरीके से वो टाइगर एक जगह से दूसरी जगह टकराता हुआ उसको फॉलो करने लगता है। और ये केव तो बहुत ज्यादा पुराना था और इतनी हलचल की वजह से टूटने लगता है। अचानक से ये पूरा केव टूट जाता है और इसके टूटने के साथ ही सारा पानी बाहर फ्लो करने लगता है। यहाँ पर अब खुम्बा और वो टाइगर एक बहुत ऊंची सी क्लिफ पर अटक चुके थे, जहाँ पर खुम्बा अभी भी उसे समझा रहा था कि ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें एक दूसरे की हेल्प करके एक साथ जिंदा रहना चाहिए। बट ये टाइगर तो बिल्कुल पागल हो चुका था, उसे लग रहा था अगर खुम्बा को खाकर उसे बहुत पावर मिलेगी, जिसके बाद वो फिर से उस पर अटैक करता है। बट यहाँ पर क्लिफ थोड़ी सी टूटने लगती है और यही टाइगर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद क्लिफ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है और ऐसे ही ये टाइगर मारा जाता है। अब क्लिफ के गिरने के साथ ही खुम्बा भी नीचे गिरता है पानी में। सारे एनिमल्स को लगता है कि खुम्बा अब मर चुका होगा, पर यहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है।
है। इसके साथ ही खुम्बा को भी होश आ जाता है, जिसके बाद सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इन सारे एनिमल्स को एक नई जगह मिल चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारा पानी था और इस टाइगर का भी डर नहीं था, जिसके बाद सारे एनिमल्स यहाँ पर ही हंसी खुशी रहने लगे थे। दूसरी वजह ये थी कि खुम्बा की वजह से ही इन सारे एनिमल्स को इतना पानी मिला था, तो अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। और खुम्बा भी समझ गया था कि वो एक बहुत ही यूनिक ज़ेब्रा है, और यूनिक होने में कोई बुराई नहीं, बस उसने तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से ही काम लिया है। जिसके बाद हर कोई हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगता है, और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।